हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और हाजिर हुई हूँ बहुत टाइम के बाद एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। मेरे लुक्स पे मत जाना, आप सोचोगा जितना तैयार क्यों बैठी है। ऑफ कोर्स नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने फेस्टिव वाइब चल रही सभी तरफ, और मैंने भी ये लुक नवरात्रि लुक क्रिएट किया था। आप इस लुक को गरबा नाइट, दुर्गा पूजा, नवरात्रि कहीं भी करके जा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वाला लुक देखना है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यार जब मैं तैयार हुई थी तो छोटे बेबी के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने की वजह, बहुत बहुत टाइम बाद में बना पाती हूँ, तो मैंने सोचा एक पन दो काज कर लेते हैं, रेडी हुई हूँ तो मैं वीडियो भी शूट कर ही लेती हूँ, ठीक है। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, यू वोंट बिलीव, इतना सस्ता, इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ना वो, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब अफोर्डेबल का भी बाप है। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है इनसाइट कॉस्मेटिक फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर अफोर्डेबल एंड सबसे सस्ता मेकअप रिव्यू वीडियो, आई थिंक, है ना। हाँ, तो बहुत ही, और इतना ज्यादा सस्ता ना, आई जस्ट डोंट बिलीव कि इतने सस्ते में क्रीम ब्लश आता है। एंड चलिए अब उसकी का पूरा रिव्यू करेंगे, डेमो करेंगे, क्वालिटी कैसी है, क्या है, क्या ये मतलब अगर इतना अफोर्डेबल है तो उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी है कि नहीं, या चीप क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, जो भी हम सभी इस पूरे वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देखें, तो प्लीज मेक श्योर डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पूरा ही अनस्पॉन्सर्ड है, खुद के पैसों से परचेज किया है सामान। सो चलिए, ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपको देखना पसंद है तो प्लीज फॉलो मी एंड ज्वाइन माई फैमिली। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का सुपर स्टे क्रीम ब्लश, यानी कि इनसाइट कॉस्मेटिक ने क्रीम ब्लश अपने लॉन्च किए हैं। 4 to 5 शेड्स हैं आई थिंक, बट जब मैंने नायका पे इन्हें देखा फटाक से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा रीजनेबल। और मैं आपको सच बताऊं ना, ये दिस इज, मैंने बोल रहा ना, मेरा सबसे पहला लाइफ का सस्ता अफोर्डेबल मेकअप ब्लश है ये, बहुत ही सस्ता है यार, ये बहुत ही सस्ता, ठीक है। और इसकी एक बात बताऊं, ये ब्रांड भी क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, FDA अप्रूव्ड है, पैराबेन फ्री है, तो ये चीज मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता थी। बट इस ब्रांड की मैंने यूट्यूब पे बहुत तारीफ सुनी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से, कि इनसाइट कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा वाई नॉट, चलो मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये 2 शेड ऑर्डर किए हैं, 5 से 6 शेड आई थिंक आते हैं इसमें, बट सारे ही शेड आउट ऑफ स्टॉक थे, क्योंकि यार ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा कल्ट फेवरेट बनता जा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ यार ये इंडिया फर्स्ट ब्रांड है जो कि मतलब ये इंडियन ब्रांड है तो, और अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्रुएल्टी फ्री, वीगन, पैराबेन फ्री और FDA अप्रूव्ड है, शायद इसलिए ये बहुत ज्यादा फेवरेट होता जा रहा है लोगों का, ठीक है। तो मुझे ये पता नहीं था इससे पहले, मैं सच में एडमिट कर रही हूँ, मुझे बात नहीं पता थी कि ये वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, तो इसलिए मैंने इसमें आज तक इन्वेस्ट नहीं किया था। बट जब मैंने इसकी डिटेलिंग जाके देखी तो ओ माई गॉड, आई वॉज शॉक्ड, एंड मैंने फटाफट से उनके दोनों ये ब्लश जो है ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है। और मेरा जो इसमें शेड है, 2 शेड मैंने ऑर्डर किए हैं, ठीक है, एक है एप्रिकॉट जेली एंड एक है प्लम जेली, ठीक है। तो एप्रिकॉट जेली जो है वो थोड़ा सा कोरल सॉर्ट ऑफ कलर है, एंड प्लम जेली तो प्लम कलर है ही, ठीक है। सो ये 2 कलर मैंने ऑर्डर किए हैं। चलिए आपको उसकी अब पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, सारी डिटेलिंग दी हुई है, उसका प्राइस है जस्ट 190 रुपीज, एंड उसके बाद भी मुझे ऑफर में मिला था 171 रुपीज का, ठीक है। 3 ईयर की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है, और आपको जो इसकी नेट क्वांटिटी मिलती है वो है 10 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि एक तरीके से मिनी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब चलिए इसकी इनर पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग देख लिया, हम इसकी इनर पैकेजिंग देख लेते हैं। एंड हियर इज द इनर पैकेजिंग। यार ये बिल्कुल पहले बोरोलिन का ट्यूब चलता था ना, ओ गिर गया, ये बोरोलिन का ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी, ठीक है। और ऐसी शायद एक डॉट एंड की में लिप बाम आते हैं, उनकी पैकेजिंग थोड़ी सी ऐसे, मतलब मैं ट्यूब और ढक्कन की पैकेजिंग बस बोल रही हूँ, ऐसी है। सो जैसी बाहर कार्डबोर्ड आउटर बॉक्स की पैकेजिंग है, वैसी इनर ट्यूब की पैकेजिंग है। लुक एट द पैकेजिंग, ठीक है, सारा शेड नेम वगैरह दिया हुआ है, क्रीम ब्लश सुपर स्टे। एंड चलो मैं इसका एक स्वाच करके देखती हूँ, ठीक है। ये है इन द शेड एप्रिकॉट जेली, ठीक है, एंड इसकी जो क्वांटिटी है यार इतना सा ही काफी है, मतलब एक ड्रॉप ही जस्ट काफी है। जिस दिन ये आया था मैंने इसको अप्लाई करके देखा था, ठीक है, हैंड्स पे, और ओ माय गॉड, आई वाज अमेज्ड, इसकी इतनी सी ड्रॉप, इतनी ज्यादा पिगमेंटेड है। एंड उसके बाद जब तक मैंने इसको रगड़ रगड़ के मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं किया, ये मेरे हैंड वॉश करने के बाद भी, साबुन से हैंड वॉश करने के बाद भी मेरे हाथ से टसने मस नहीं हुआ था। तो इसकी लॉन्ग स्टे जो ये कह रहा है ना सुपर स्टे, तो यार सुपर स्टे का चक्कर मैं इसका कर चुकी हूँ। एंड हियर इज द शेड एप्रिकॉट जेली, देखिए ये बिल्कुल एकदम कोरल सॉर्ट ऑफ क्रीम ब्लश है, और अच्छे से इजीली ब्लेंड हो रहा है, बहुत इजीली, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं, देखिए।
और पिगमेंटेशन देख रहे हो आप, कितनी ज्यादा अच्छी पिगमेंटेशन। ठीक है, इस समय तो मैंने प्रॉपर मेकअप करा हुआ है, सो इस समय मैं इसका जो आपको ट्राई ऑन है वो अपनी एकदम बेयर स्किन पे लगाने वाली हूँ। ठीक है, साइड में आपको ट्राई ऑन लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा एकदम बेयर स्किन पे, ताकि आपको उसमें कलर अच्छे से और ज्यादा समझ में आए। अभी मैंने ऑलरेडी मेकअप किया हुआ है, ब्लश वगैरह लगा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तो शायद जस्टिस नहीं होगा प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, बट चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैं इसको, चलिए आपको मैं इसका डेमो पार्ट लगा देती हूँ, मैंने इसको अपनी बेयर स्किन पे ट्राई किया है। ठीक है, तो चलिए डेमो दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके आपसे मिलती हूँ। ओके, सो गाइस चलिए सबसे पहले हम हैंड स्वाचेस देखते हैं। ओके, एंड एक तरफ मैंने प्लम जेली किया है, एक तरफ एप्रिकॉट जेली। सो दिस इज एप्रिकॉट जेली एंड जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, कितने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं भैया ये दोनों, और प्लम जेली भी, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं। एंड इसके बाद हम लोग अपने फेस पे ये एप्रिकॉट जेली अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने ऑरेंज पहना है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। बस मैं दो डॉट लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो अच्छे से आपको कम ही लगाना है। एंड मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड तो इजीली हो रहा है, बट इसको ब्लेंड करने के साथ मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि ये फुल्ली मैट हैं, कि हालांकि इनका नाम है क्रीम ब्लश, बट ये एकदम मैट हैं। तो आपको ये जैसे ही आप इनका डॉट लगाते हो ना, बहुत ही क्विकली इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, वरना ये जब सेट हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ब्लेंड करना। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा, इसको जैसे ही आपने अप्लाई करना, बहुत ही क्विकली आपको उसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ओके, एंड जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, और इसकी पावर बताऊँ आपको, लॉन्ग स्टे ये इतना ज़्यादा करते हैं कि जब तक आप इसको मेकअप रिमूवर से रगड़ रगड़ के नहीं निकालोगे, ये नहीं निकलने वाले हैं, और स्मज नहीं करते, वज नहीं करते। सो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि इतना ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और तो इतना अच्छा है। और मेरी वॉइस पे मत जाना, बहुत लो है क्योंकि डेंगू हो रखा है, बट फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप, बट आउटकम इज़ घंटा एज ऑलवेज। तो थोड़ा सा मेरे एफर्ट्स को, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो थोड़ा सा एफर्ट्स को मेरे नोटिस करना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये शेड, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक गाइस, एप्लीकेशन आपने देख लिया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मेरी तरफ से अगेन यार, मैं तो इस प्रोडक्ट को बिग 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 थम्स अप बोलूंगी, क्योंकि ओ माय गॉड, अब तक मैं सोच रही हूँ मैंने इस ब्रांड को यार ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि मतलब यार ये एक इंडियन ब्रांड है और क्रुएल्टी फ्री वीगन है, एंड साथ साथ टू मच अफोर्डेबल यार। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में ना फेस स्कैंडर का एक काजल भी आई थिंक नहीं आएगा, इतने महंगे होते हैं उनके प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सो अफोर्डेबल मेकअप है, और मुझे ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतने ज्यादा अफोर्डेबल मेकअप के साथ, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, एंड साथ ही बहुत ज्यादा अमेज भी हूँ कि ये इतना अफोर्डेबल होने के बाद भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई एंड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बीट करती है। ठीक है, मतलब फेस स्कैंडर का भी ब्लश मैंने अभी तक, या जो भी मैंने और हाई एंड ब्रांड ट्राई किया उनका ब्लश मैंने इतना ज्यादा पिगमेंटेड, इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं देखा है। वीडियो बनाते हुए मुझे हो गए 1 से 2 घंटे, मैंने और वीडियो भी शूट किया, बट देख लो आप, टसने मस ये ब्लश एक बार सेट हो जाता है तो बिल्कुल टसने मस नहीं होता है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, अफोर्डेबल है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन ब्रांड है, पैराबेन फ्री है, एफडीए अप्रूव्ड है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा मतलब अंडर बजट है, किसी के भी बजट में आराम से फिट हो सकता है। और इसकी जो इन्होंने ये क्लेम करते हैं सुपर स्टे, तो यार बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो मेरी तरफ से प्रोडक्ट को बिग 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 थम्स अप, आप जाके फटाफट से चाहो तो नायका की साइट से बाय कर सकते हो, अभी 10-20% का ऑफ भी चला है इनसाइड कॉस्मेटिक्स पे। ठीक है, और आप जाके वहां चेक कर सकते हो कौन कौन से शेड है, आपको अपने हिसाब से जो शेड लेने आप ले सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया ये ब्लश, इतना ज्यादा, और मैं सच में बता रही हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू है कि मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इससे उम्मीद नहीं लगा थी, मुझे लगा था इतना अफोर्डेबल है तो पता नहीं क्या ही क्वालिटी होगी, कितनी देर स्टे करेगा भी कि नहीं करेगा, या कैसा होगा, पता नहीं पिगमेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स थे मेरे दिमाग में, मल्टीपल थॉट्स थे, बट यार मुझे इसने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया इस ब्रांड ने, और बहुत ही जल्द अब तो मुझे मन हो रहा है और लोगों की तरह मुझे भी इसका वन ब्रांड मेकअप लुक करने का, क्योंकि यार इसके प्रोडक्ट इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है ना, कि मतलब फेस स्कैंडा के तो 2-3 प्रोडक्ट में इसकी पूरी किट बन जाएगी, इतने ज्यादा अफोर्डेबल है। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू। सो आई होप आप लोग मेरा ये जेन्युइन रिव्यू पसंद करोगे, अगर ऐसे जेन्युइन रिव्यू देखना आपको पसंद है तो उसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो वहां पे घंटी है उसको बजा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।